गाजीपुर से सुभाष कुमार, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। योगी बाबा की सरकार में हर हाल में मिलेगा न्याय। गोलीकांड की घटना पर राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत गंभीर, पीड़ित परिवार से मिल, एसपी को फोन पर दिए कड़े निर्देश। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर सुवल थाना क्षेत्र के सरैया चट्टी पर बीती रात युवक धर्मेंद्र बिंद को गोली मार दी गई। घटना की जानकारी होने पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत दिल्ली से सीधे घटनास्थल पहुंची और पीड़ित परिजनों से मिलकर सांत्वना दिया। राज्यसभा सांसद ने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और हर हालत में न्याय मिलेगा। मौके पर ही डॉक्टर संगीता बलवंत ने पुलिस अधीक्षक से मामले में गंभीरता से छानबीन व अपराधियों की शिनाख्त करके यथाशीघ्र उचित कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए। राज्यसभा सांसद ने पीड़ित परिवार से कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। परिजनों को सांत्वना दी और इस कठिन समय में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सर, आज आप सरैया आई, घटना को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक दुखद घटना यहाँ पे हुई है सरैया गांव में, और इसके लिए मैं जब यहाँ पर आई, लोगों से बातचीत हुआ और मैंने यहाँ पे पुलिस अधीक्षक महोदय से बात किया और यहाँ के लोगों को हमने आश्वस्त किया है कि योगी जी और मोदी जी की ये सरकार है, जो होगा न्याय संगत होगा। सर, योगी मोदी की सरकार आ जाते कि कानून व्यवस्था और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, लेकिन जिस तरह से प्रतिबंधित कहा जाता है, नए पिस्टल के साथ खुलेआम असलाह फायर करना, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, FIR दर्ज कर लिया गया है और आज गिरफ्तारी की कार्रवाई भी एसपी की बात के अनुसार सही बात है। प्रतिबंधित असलहों से फायर किया गया और जहां कहीं प्रतिबंधित असलहों से फायरिंग की जो बात आ रही है, इस पे जिला प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है और सब पे उचित कार्रवाई होगा। मैम, आपने परिवार से बात किया, क्योंकि परिवार दहशत में है, जो आपसे कह रहा था पूरी तरीके से आप देखिए, कहीं भी इस तरह की घटना होगी तो मन में एक भय और संशय होता है, लेकिन हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि योगी जी की सरकार में आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जहां भी गलत होगा, वहां सरकार, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है।